फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिल्पीज किचन में। आज मैं ऐसी स्वीट डिश बनाने जा रही हूँ, घर में अगर अचानक मेहमान आ जाए और घर में कुछ भी ना हो, केवल घर के रखे हुए सामान से आज की मैं ये डिश बनाऊंगी। बहुत ही जल्दी और कम समय में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। आज की रेसिपी बनाने के लिए हम पैन में डाल रहे हैं 1 कप दूध। 1 कप दूध में हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून इसमें घी। देसी घी का प्रयोग कर रहे हैं हम इसमें। दूध जैसे ही गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप के करीब सूजी। महीन वाली सूजी का प्रयोग करिए। अगर आपकी सूजी मोटी है तो उसको मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा सा महीन कर लीजिए। साथ में डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब मैदा। अगर मैदा नहीं डालना चाहते तो आप इसमें आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें लगातार चलाते हुए इसको एक डो की फॉर्म में लाना है। इस तरीके से हमें इसको चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी डो की फॉर्म में आ गया है। बस सूजी हमारी फूल जानी चाहिए और डो जैसा हो जाना चाहिए। अब हम गैस को कर देंगे बंद। डो को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा करने के लिए ढककर रख देंगे। गैस पर हमने फिर से पैन रख लिया है। इसमें डालेंगे 2 गिलास के करीब दूध। ये हो गया 2 गिलास दूध। दूध फुल क्रीम है। दूध को हमें तब तक गाढ़ा करना है, इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना हमें, जैसे 2 गिलास दूध है तो 1.5 गिलास रह जाए। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध नहीं चाहिए। दूध को अच्छा कलर देने के लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं 6-7 केसर के धागे। जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक हम दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। डो को देख लेते हैं। डो हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हमको इसको मसल मसल कर एकदम चिकना करना है, एकदम आटे के जैसा मसलना है हमें बहुत अच्छे से। आप चाहें तो इसमें आप इस स्टेज पर मिल्क पाउडर का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ मिल्क पाउडर का यूज नहीं किया है। ये ऐसे ही बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत ही बढ़िया स्वीट डिश बनकर तैयार होगी पूरे परिवार के लिए। चाहे आपके घर पे पार्टी है या छोटा मोटा फंक्शन है, इस तरीके से हम इसको मसल कर तैयार कर लेते हैं। देखिए डो एकदम सॉफ्ट है। अगर आपको इस स्टेज पर लगता है डो थोड़ा सा टाइट है तो आप थोड़ा सा इसमें दूध, हल्का सा गुनगुना दूध मिक्स करके इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमें अब इसकी इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स तैयार करनी है। छोटी बड़ी साइज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या फिर एक बार में इनकी छोटी छोटी इस तरीके से पहले एक साइज की तोड़ के रख लीजिए। ये देखिए इससे साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, एक साइज की हमारी बॉल बनकर तैयार हो जाएंगी। देखिए इस तरीके से आप पीसेस कर सकते हैं और एक साथ दो दो आप बना सकते हैं। बॉल्स हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। बस ध्यान रखना कि बॉल में चटकन ना पड़े। अगर बाई चांस आपकी बॉल्स में चटकन पड़ रही है तो आप इसमें दूध या मैदा का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें चटकन बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जैसे ही बॉल तैयार हो जाएंगी हम इनको ढक्कर रख देंगे। चलिए दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, हमें इससे ज़्यादा गाढ़ा दूध नहीं चाहिए। आपको अभी ये पतला लग रहा है, कोई बात नहीं, ये बाद में गाढ़ा हो जाएगा। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप, हमने सूजी ली थी तो 1/2 कप ही हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। मीठा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते। जैसे ही इसमें चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, कटे हुए कुछ बादाम, आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। अब गैस को कर देंगे बंद। गैस पर हमने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में हमने घी दिया है। आप कुकिंग ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। घी अच्छे से गर्म हो जाए। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा पहले हम एक बॉल डालकर देख लेंगे कि बॉल हमारी फट तो नहीं रही।
इस तरीके से इसके ऊपर घी को हम करेंगे। देखिए बॉल्स में हमारे में क्रैक्स नहीं पड़े हैं, तो हम इसमें सारी बॉल्स अब शिफ्ट कर देंगे। बॉल्स डालते समय हमें फ्लेम को हाई रखना है। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप बॉल्स कम डालिए। मेरी कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी है तो मैं एक साथ इसमें सारे बॉल्स डाल दूंगी। हाई फ्लेम पर ही हमें ये डालनी है। जब हम सारे बॉल्स डालेंगे तो हम करछली से टच नहीं करेंगे, बस इस तरीके से घी को इसके ऊपर हम करते जाएंगे, जिससे ऊपर का सरफेस भी अच्छे से पक जाए। अब हल्के हाथ से इनको इस तरीके से हम चला देंगे। हमें सारे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करने हैं। ये देखिए एकदम से बढ़िया ये ब्राउन हो जाएंगे। जैसे ही ये डार्क ब्राउन होने लगेंगे हम इनको निकाल लेंगे इस तरीके से। फुल फ्लेम पे ही हमें ये प्रोसेस करना है सारा। अब इन बॉल्स को हम इस दूध में डाल देंगे। याद रखिए जब हम ये बॉल्स इस दूध में शिफ्ट करेंगे तो दूध हल्का सा गर्म होना चाहिए। 20 मिनट के लिए हम इनको ढककर ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे मिल्क इनके अंदर भर जाए। लीजिए ये हमारे तैयार हो चुके हैं। मैं आपको एक सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आज की ये रसमलाई की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। देखिए आधा कप सूजी में बनकर हुई तैयार ये मिठाई। इंस्टेंट मिठाई कहिए, डिजर्ट कहिए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।